कराची वालों के लिए 2024 का एक अनोखा तोहफा के इलेक्ट्रिक को 2044 तक की नई एक्सटेंशन दे दी गई। के इलेक्ट्रिक जो कि 2005 तक एक सरकारी इदारा हुआ करता था, उसे 2005 में प्राइवेटाइज कर दिया गया। किसी भी सरकारी इदारे को प्राइवेटाइज करने का असल मकसद क्या होता है? असल मकसद ये होता है कि हमसे सही बिजली प्रोड्यूस नहीं हो रही, आप आए, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप बिजली पैदा करें, हमें पैसे दें, हम दूसरी जगह सरमायाकारी करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, प्राइवेट कंपनी आई, उसने सारा तांबा उठाया और बेच दिया, और वो कहाँ गया, उसका पैसा कहाँ गया, किसी को पता नहीं। इसका असल मालिक कौन है? अबराज ग्रुप किसका है? अमन फाउंडेशन किसका है? आरिफ नकवी कौन है? ये किसी को मालूम नहीं। जिसे नहीं मालूम वो जाए विकिपीडिया पे मालूम कर ले। क्योंकि इलेक्ट्रिक का ही लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाता है, क्यों किसी दूसरी कंपनी को चांस नहीं दिया जाता? बल्कि गवर्नमेंट को तो चाहिए और बहुत सारी कंपनियों को चांस दे, ताकि कंपटीशन हो, सस्ते से सस्ती बिजली लोगों को मिले। के इलेक्ट्रिक जो एक बार बिल लगा दिया, वो बिल भी खत्म नहीं होता, वो आपने भरना है, हर सूरत भरना है। अवाम का खून निचोड़ के रख दिया है के इलेक्ट्रिक ने, फिर भी उसका लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाता है। कोई तो है जो इसके पीछे है, दाल में काला है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आपके सामने है, हमारी भी लाइट जा चुकी है, और कम अल्फाज में ज्यादा बात कहूंगा। अमन फाउंडेशन से लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, और अपनों के लिए भी एक पैगाम है कि इसके पीछे अपनों का भी हाथ है। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो एक्सटेंशन देने वालों से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या सोच कर, क्या देख कर आपने के इलेक्ट्रिक को एक्सटेंशन दी, और दूसरी कोई कंपनी नजर नहीं आई आपको कि जिसको एक्सटेंशन दी जा सके? के इलेक्ट्रिक किस सोर्स से बिजली बनाती है आपने देखा? किस चीज से बिजली जनरेट कर रही है, उसकी सोर्स क्या है? क्या वो पेट्रोल है, क्या वो डीजल है, क्या वो गैस है, क्या और दूसरे कोई जराए नहीं है बिजली बनाने के? सोलर सेटअप नहीं है, हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं है, बायोगैस नहीं है, विंड टर्बाइन नहीं है, कितने सारे सोर्सेज हैं जिससे हम सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपकी अकल पे तो पर्दा पड़ा है। अब ये पर्दा किस चीज का है ये तो अल्लाह ही जाने, बाकी सारा अवाम पे छोड़ते हैं। इलेक्शन आ गए हैं, सोच समझ कर वोट दें, कौन आपका सही हमदर्द है, कौन सिर्फ ड्रामेबाजियां कर रहा है, अब सब कुछ आप पर है।